जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है, इट इज सेम एज द टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन हमें कैलकुलेट करवाता था ग्रेडियंट ऑफ एनी कर्व। इंटीग्रेशन, इससे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। बेसिकली एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट होता है बाय इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन है क्या, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है किसी भी चीज को, बेसिक रूल मैं लिख रहा हूं। द बेसिक रूल इज इफ वी हैव x पावर, अच्छा इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। इफ वी हैव y डैश और dy ओवर dx इक्वल्स टू x पावर n, इसको इंटीग्रेट किया हमने, तो विद रिस्पेक्ट टू x दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रल, तो y क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इंटीग्रेशन के बाद y में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सो इट विल बी x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय एडेड पावर प्लस c। हमेशा लगाएंगे इट इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, यह क्वेश्चन के आखिर में आएगा प्लस c। सो दिस इज द रूल, बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन, के पावर में वन एड होगा डिवाइडेड बाय द एडेड पावर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव एक्स पावर 4, सो वाई विल बी एक्स पावर 5 ओवर 5 प्लस सी। इफ वी हैव 3x power 6, so y will be 3x power 7 over 7 plus c. If we have y equals to under root x, y dash equals to under root x, then y will be x power half plus 1, 3 upon 2. Divided by the added power, and y equals to 2 upon 3 x power 3 upon 2 plus c. If we have x, then y will be x square by 2 plus c. If we have 3, then y will be 3x plus c. Constant ke saath x aa jata hai. Now, if we have 5 over x cube, so y dash, isko numerator mein leke aayenge hum. Ab integrate karenge. Divided by the added power, so y will be 5 over x square plus c. इस तरीके से इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब देखिए, दीज आर सम क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। अब लाइक ये क्या है, q में पहले मल्टीप्लाई होगा फिर इंटीग्रेट होगा, आर में भी पहले मल्टीप्लाई होगा फिर इंटीग्रेट होगा, यहां पर जे में पहले एलसीएम ब्रेक होगा फिर इंटीग्रेट होगा, इस तरीके से। तो अब आप एक काम कीजिए, स्टार्ट कीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2
teen sawal. Question number 1, 2, 3, all the question, all the parts of question number 1, 2, 3, ye start kijiye. Iske baad phir dekhte hain kya working kar raha hai. Hurry up, start working. Question number 1, 2, 3. Iska screenshot lena hai to le lijiye. Iske picture leni hai to le le aap.
यस बच्चों, होपफुली क्वेश्चंस हो रहे होंगे सॉल्व। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट जो है मैंने ग्रुप में शेयर की है, वहां से आप लोग देखिए क्वेश्चंस। वहां से क्वेश्चंस देखिए आप लोग। और जैसे ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं बताइए मुझे।
जैसे ही बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो बताइएगा।
That's great, Jahandeep. Laiba, kahan tak pahunche beta? ये देखो ये सब चीजें म्यूट था और मैंने बता रही तुम लोगों खैर यहां से जो वर्किंग की है इसे समझ गए होगे तुम लोग क्या वर्किंग की है तुम लोगों को कैसे 4 6 8 10 करना है अभी स्टार्ट करो वर्किंग डिफरेंट इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन दी होगी वो रखकर आपने सी कैलकुलेट कर लेना है सी को वापस रख देना है यहां पर तो ये इक्वेशन ऑफ द कर्व जनरेट हो जाएगी स्टार्ट कीजिए वर्किंग
यस बच्चों कितने क्वेश्चन हुए लाइबा आप कहां तक पहुंचे ठीक है दैट्स ग्रेट तो बस ठीक है आज के लिए जो है यही वर्किंग है हमारी एंड यू गाइस हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट नंबर 23 दिस वर्कशीट नंबर 23 बाय फ्राइडे राइट ये सारे ये वर्ड प्रॉब्लम्स कर लीजिएगा कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं ये जरा देखिएगा 13 इसमें डबल डेरिवेटिव है तो दो बार इंटीग्रेट करना होगा पहले इंटीग्रेट करेंगे सी आएगा दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो सी नहीं फिर कुछ और कांस्टेंट लिखेंगे के लिख देंगे ताकि दोनों का कांस्टेंट जो है वो अलग हो फिर उसके बाद वर्किंग करेंगे देखिएगा नहीं होगा तो फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में राइट सो यू गाइस हैव टू कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही फिर इंशाल्लाह सी यू ऑन फ्राइडे And Thursday in extra class. Allah Hafiz.